साइकोपैथ। हमारी पॉपुलेशन में 1% लोग साइकोपैथ हैं। दूसरे रिसर्च के बेसिस पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मार्था स्टाउट के अकॉर्डिंग ये फिगर 4% के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी मोस्ट प्रोबेबली आपके आसपास भी कोई साइकोपैथ मौजूद हो सकता है। साइकोपैथ हमारी सोसाइटी के सभी सेगमेंट में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस से लेकर छोटी शॉप तक, एक सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर या एक पॉलिटिशियन तक। हर तरह के साइकोपैथ हमारे आसपास मौजूद होते हैं। द साइकोलॉजी क्लासेस की आज की इस वीडियो में जानेंगे साइकोपैथ्स के बारे में, ताकि उनसे होने वाले इमोशनल डैमेज को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके और समझा जा सके कि एक्चुअली साइकोपैथ्स कौन होते हैं। साइकोपैथ सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी के सीरियल किलर्स, द डार्क नाइट का जोकर रमन राघव, ब्रॉन्सन, एक विलन का राकेश, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो साइकोपैथ वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। साइकोपैथी एक कंडीशन है या इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान के अंदर डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, 1% यानी 100 में से एक। तो हो सकता है कि आपके अराउंड भी कोई साइकोपैथ मौजूद हो, मे बी आपका कोई दोस्त। साइकोपैथ्स बाकी लोगों की तरह ही एक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, बाकी लोगों के साथ बहुत घुल मिलकर भी रहते हैं, कई बार बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी भी शो करते हैं, और यही रीजन होता है कि इतने सारे लोग इन साइकोपैथ्स के शिकार भी बन जाते हैं। इन्हें पहचानने में कई महीने या फिर कई साल तक भी लग सकते हैं। साइकोपैथ्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। इनके बहुत सारे की ट्रेट्स होते हैं जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है, लाइक सुपरफिशियल चार्म, मतलब लोगों के सामने वो बोलना जो वो लोग सुनना चाहते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर, पैरासिटिक लाइफस्टाइल, जैसे कि एक पैरासाइट पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होता है। साइकोपैथ्स की आदत होती है कि वो दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं, वो खुद को पूरी तरह से सामने वाले इंसान पर डिपेंड कर देते हैं और लोगों को इमोशनली फूल बनाकर उन पर डिपेंड हो जाते हैं। नो गिल्ट। साइकोपैथ्स किसी के साथ कितना भी बुरा कर दे, इवन कितने सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत सारे मर्डर करने के बाद भी साइकोपैथ बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करते। गिल्ट ना होने की इस प्रॉब्लम को साइकोपैथ्स अपनी पावर समझते हैं। मैनिपुलेटिव। लोगों को अपनी बातों में लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। डार्क साइकोलॉजी का यूज करके लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो उनसे करवा लेते हैं, जो चाहते हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं। इसके अलावा एरोगेंट एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल, पैथोलॉजिकल लाइंग, अपने गेन के लिए दूसरों का यूज करना, ऐसे ही कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो एक साइकोपैथ पर्सनैलिटी में होते हैं। साइकोपैथ्स यूजली फर्स्ट मीटिंग में काफी अट्रैक्टिव, सिंपल और मिलनसार नजर आते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बात को आगे ले जाते हैं, पर इस अट्रैक्टिवनेस के पीछे एक बहुत डेंजर पर्सनैलिटी छुपी होती है। किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा दिखने वाला ये इंसान एक अमेरिकन सीरियल किलर है जिसका नाम है टेड बंटी, और इसने 30 से ज्यादा औरतों का मर्डर किया था। ये इंसान पहले अपना शिकार चूज करता है, फिर अपना हाथ फ्रैक्चर होने का बहाना बनाकर अपनी बुक्स को कार तक ले जाने में मदद मांगता है और फिर अपने शिकार को किडनैप करके उसका मर्डर कर देता है। अपने गुड लुक्स और चार्म की वजह से वो ये सारा कुछ बहुत इजीली कर लेता था। द मास्क ऑफ सैनिटी बुक में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कैसे साइकोपैथ्स एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान जैसे लाइफ स्पेंड करते हैं। किसी को उनके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता कि वो कितनी ज्यादा डेंजर पर्सनैलिटी वाला इंसान है, और यही चीज टेड बंटी के केस में भी देखी गई। वो एक के बाद एक क्राइम करता गया और ये सब करने में उसे किसी तरह का कोई भी गिल्ट नहीं हुआ था। वो हमेशा एक ही बात कहता था, आई एम नॉट एन एनिमल एंड आई एम नॉट क्रेजी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। एक साइकोपैथ सिर्फ अपने क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से साइकोपैथ नहीं होता, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर भी ऑर्डिनरी ब्रेन से काफी ज्यादा अलग दिखाई देता है। 2005 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स पॉलन काफी सारे सीरियल किलर्स का ब्रेन स्कैन देख रहे थे। वहां पर उन्होंने एक डिफरेंट पैटर्न नोटिस किया। देखा गया कि साइकोपैथ्स के ब्रेन फ्रंटल लोब और टेम्परल लोब के कुछ एरियाज में लो एक्टिविटी दिखी। ये एरियाज यूजुअली एम्पैथी, मोरालिटी और सेल्फ कंट्रोल जैसे ट्रेट्स के लिए काम करते हैं। इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए 2018 में जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई। इसमें 700 साइकोपैथ्स के ब्रेन स्कैन की स्टडी की जिसमें उन्हें कंपेयर करके देखा गया। इसमें देखा गया कि ब्रेन के कुछ एरिया में एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी शो करती है कि साइकोपैथ्स रूल्स का वायलेशन करना ज्यादा पसंद करते हैं। इंसुलर कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी से पता लगा
कि साइकोपैथ्स वर्ड्स के पीछे के इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझते, चाहे वो इंसान उनके कितना भी क्लोज क्यों ना हो। एमिग्डाला की कम एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस पैदा करती है, यानी किसी भी चीज़ के आउटकम को सोचे बिना ही जो मन में आए वो कर देने की आदत हो जाती है। इस तरह से क्लियर हुआ कि साइकोपैथ्स का दिमाग, उनके दिमाग की ये संरचना सामान्य लोगों से काफ़ी हद तक अलग होती है। अब सवाल आता है कि कोई भी एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक कैसे बन जाता है। इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू पेरेंट्स चाइल्ड अटैचमेंट। बचपन में जिन बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर प्यार, गाइडेंस, डांट जैसा अटैचमेंट नहीं मिल पाता, उनमें आगे चलकर साइकोपैथिक ट्रेट्स देखने शुरू हो जाते हैं। इमोशनल डिप्रिवेशन। इमोशनल सपोर्ट हर इंसान की बेसिक नीड है। जब किसी इंसान को नीडेड इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, लुक्स, या इस तरह से किसी भी रीजन से उसे सोसाइटी में या फिर उसके ग्रुप में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसे फील कराया जाता है कि वो बाकी सबसे अलग है, तो स्लोली उसके इमोशंस फेड होने लग जाते हैं और वो एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। चाइल्डहुड के बुरे एक्सपीरियंस लाइक सेक्सुअल अब्यूज़, पेरेंटल रिजेक्शन या फिर सेपरेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आगे चलकर साइकोपैथिक ट्रेट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर को भी इंडिकेट करती हैं। हालांकि स्टडीज़ में देखा गया कि वो लोग साइकोपैथिक ट्रेट्स तो शो करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये ट्रेट्स पूरी तरह से उस इंसान पर हावी हो जाएं। वो अपनी पूरी लाइफ उन ट्रेट्स को रिप्रेस करके एक ऑर्डिनरी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं। अब बात करें साइकोपैथ्स के ट्रीटमेंट की, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कंडीशन है। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का मानना है कि साइकोपैथ्स का ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ पनिशमेंट ही वन एंड ओनली इलाज है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पर आर्ग्यू किया जाता है कि साइकोपैथ्स का ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक टेक्निक का यूज़ करके सर्टेन कंडीशन में किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट से उनके वायलेंस जैसे इम्पल्सिव बिहेवियर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, पर इस टेक्निक में अलग अलग तरह के ऑफेंडर्स के लिए अलग ट्रीटमेंट टेक्निक का यूज़ करना होता है। लाइक फीमेल साइकोपैथ्स के लिए स्लाइटली डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ करने होते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ज़्यादा वायलेंट नहीं होता। देखा गया कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कुछ केसेस में काफ़ी इफेक्टिव काम करती है, बाकी इस पर और ज़्यादा रिसर्च होना अभी बाकी है। क्या आप किसी साइकोपैथ को जानते हो? सबसे ज़्यादा खतरनाक साइकोपैथ कौन है जिसके बारे में आपने सुना हो? कमेंट सेक्शन में शेयर करो। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।